उत्तरामरोली आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल भीम आर्मी के प्रमुख आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर एक बड़ी रैली की थी और बड़ी रैली के बाद वो राजस्थान पहुंच गए, क्योंकि राजस्थान में भी मध्य प्रदेश के साथ 2023 में ही विधानसभा के चुनाव है। राजस्थान के अंदर भी एक ऐसे क्षेत्र के अंदर उन्होंने रैली की जिस क्षेत्र के अंदर जो आपको बता दें कि अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या भी इतनी बड़ी पैमाने पर है और ST की भी संख्या है वो बड़े पैमाने पर मानी जाती है, अन्य जो लोग हैं वो भी अन्य पिछड़े वर्ग के भी बड़ी संख्या में लोग हैं। तो बूंदी जिले के अंदर जो है ये आपको बता दें कि उनकी रैली देखने को मिली और इस क्षेत्र के अंदर बड़ी संख्या में लोग हैं वो चंद्रशेखर को सुनने के लिए पहुंचे, जिससे चंद्रशेखर का हौसला भी है वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आया। दरअसल राजस्थान के जो बूंदी जिला है उसके नेनवा क्षेत्र के अंदर चंद्रशेखर आजाद हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे और हेलीकॉप्टर से पहुंचकर उन्होंने वहां पर जनसभा को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने सभी पार्टियों पर है वो निशाना साधा, BSP हो चाहे कांग्रेस हो BJP हो, तमाम पार्टियों को अपने निशाने पर लिया। तो कुल मिलाकर साफ नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी चंद्रशेखर आजाद सक्रिय हैं। आजाद ने मध्य प्रदेश के भोपाल में इस बात की घोषणा की थी कि अगर उनकी पार्टी यानी आजाद समाज पार्टी की सरकार बनती है तो आदिवासी समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, SC ST और OBC और माइनॉरिटी के लोगों को उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसी तरीके की घोषणा करने का ऐलान उन्होंने राजस्थान में भी कर दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अगर दलित, जो आपको बता दें कि जयपुर के अंदर एक बड़ी रैली उनकी तरफ से की जाएगी, उससे पहले राजस्थान के अलग अलग संभाग के अंदर की जाएगी, उस संभाग के बाद में समापन जो रैली है वो की जाएगी जयपुर के अंदर और इस जयपुर रैली के अंदर ये ऐलान किया जाएगा कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या रणनीति होगी और किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, किसको उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस तरीके की आपको बता दें कि ऐलान की जाएगी। दरअसल बहुजन समाज पार्टी, BJP और कांग्रेस, ये तीन ऐसी पार्टियां हैं जो आपको बता दें कि अपना अपना वजूद राजस्थान के अंदर रखती है। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल की RLP भी काफ़ी हद तक उन्होंने पिछले चुनाव के अंदर काफ़ी प्रभावित है वो राजस्थान में किया है, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी पार्टी आपको बता दें कि निकल कर नहीं आई है। तो इस चुनाव में यानी खासतौर से 2023 के चुनाव में BSP के नज़र जो वोट है उस पर भी नज़र रहेगी, क्योंकि BSP का पिछली बार जो है 6 सीटें उनकी जीत कर आई थी, 6 विधायक आए थे लेकिन वोट प्रतिशत गिरा था। लेकिन इस बार के चुनाव के अंदर क्या बहुजन समाज पार्टी अपने 6 जो कैंडिडेट है, 6 विधायक है उसको जिता पाएगी या फिर अपने जो वोट बैंक है उसको भी बरकरार रख पाएगी, उस पर भी निगाहें। साथ ही कांग्रेस पार्टी की अपनी सरकार बचाने की जदोहद है, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के सक्रिय होने पर कांग्रेस पार्टी को भी, BSP को भी और खास तौर से अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनको भी कहीं ना कहीं चिंता सताने राजस्थान में लगी है। मिलेंगे इस वीडियो ने अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल।